खबरों की, फेसबुक पे कोई खबर आई, व्हाट्सएप पे कोई खबर आई और फौरन आगे पार्सल कर दी, इधर कॉपी किया पेस्ट करके पूरे ग्रुप में उसको शाया कर दिया। यानी मैं जब से सोशल मीडिया में आया हूं, इतनी सारी खबरें जो हम पहले जिनको सच समझा करते थे, जब उनके माहिरीन से हमने तहकीक की, माहिरीन की एक बहुत बड़ी जमात के पास हम गए तो पता चला कि उनकी सिरे से कोई असल मौजूद है ही नहीं। किसी ने भी बताया कि एक साहब ने इंटरव्यू रिकॉर्ड करवाया कि मैं फलां डॉक्टर हूं और मेरी तहकीक ये है कि कुछ भी तहकीक, मैं इसलिए वो तहकीक नहीं ला रहा कि वो एक अलग टॉपिक ना शुरू हो जाए, कि मेरी तहकीक ये है। तो लोग कहते हैं देखो इतना बड़ा डॉक्टर ये बात कह रहा है तो ये गलत नहीं हो सकती। तहकीक से साबित हुआ कि ये डॉक्टर है ही नहीं, ये वैसे ही गली महल्ले का कोई आदमी जिसको कोई पूछता नहीं था, कोट टाई पतलून पहन के यूट्यूब पे एक बैकग्राउंड, यूट्यूब पे आप अगर बैकग्राउंड पे, यानी अब तो स्टूडियो में खर्चा की भी जरूरत नहीं, आप कहीं भी बैठ जाए एक ग्रीन पेपर लगा के उस पर बाद में जो एडिटर है ना वो कुछ भी लगा सकता है, आपको मरी भी दिखा सकता है, पीछे वो स्विट्जरलैंड भी दिखा सकता है, वो अमरीका भी दिखा सकता है और उसके साथ ओबामा को भी खड़ा हुआ दिखा सकता है वो। तो वो ऐसा शो होता है कि भाई ये कोई बहुत बड़े डॉक्टर साहब की रिसर्च है, जबकि ये पता चलता है कि ये सिरे से डॉक्टर है ही नहीं। कल एक डॉक्टर साहब आए जो यूके के, यूके में कैंसर के एक बहुत बड़े स्पेशलिस्ट हैं और रिसर्च सेंटर में होते हैं वो, और हजरत अकदस हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब से उनका इस्लाही ताल्लुक है। मेरी उनसे 4 घंटे मीटिंग हुई है, 11 बजे से लेकर 2 बजे तक, 12, 1, 2 कितना टाइम हो गया, 12, 1 3 घंटे, 2 बजे उठ के गए हैं वो। तो मैं हैरान हो गया कि बहुत सारी तहकीकात सेहत के हवाले से, मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से जो लोगों में फैली हुई हैं, उनका सिरे से कोई ताल्लुक है ही नहीं। कोई भी खबर हो किसी आलिम के बारे में, फौज के बारे में, अदलिया के बारे में, हुकूमत के बारे में, उसमें कोई तहकीक ही नहीं होती कि ये खबर सही है या गलत है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है, वइदा जाअहुम अम्रुम मिनल अम्नी अविल खौफी अज़ाउ बिही वलौ रद्दूहु इलर रसूलि व इला उलिल अम्रि मिनहुम लअलिमहुल लदीना यस्तंबितूनहु मिनहुम। अल्लाह फरमाते हैं जब भी इनके पास कोई अहम खबर आती है अमन की या खौफ की तो ये उसको फैला देते हैं। फरमाया अगर ये अल्लाह और उसके रसूल की तरफ लौटाते या उन लोगों की तरफ जो उलुल अमर हैं, जो इस यस्तंबितूनहु मिनहुम, जो इस खबर की गहराई तक पहुंचने की सलाहियत रखते हैं, इसकी हकीकत को जान सकते हैं, अगर ये उन तक पहुंचाते तो ये ज्यादा अच्छा होता। तो आप बताओ इसमें अल्लाह ताला ने हमें हुक्म नहीं दिया कि जब भी हमारे सामने कोई खबर आए तो हम उसके माहिरीन तक उस खबर को पहुंचाएं और फिर उसकी तह में घुस के उसकी तस्दीक करवाएं कि ये सही है भी क्या नहीं है। अभी आपको भी याद है टाइफाइड के हवाले से, जो टाइफाइड की वैक्सीनेशन हुई है और उसमें खबर आई थी कि 3 बच्चे मर गए और अस्पताल में ये हो गया, फलाना हो गया, हमने भी उस खबर को बहुत फैलाया। मैंने कई डॉक्टरों से मालूमात हासिल की, उन्होंने कहा कि वो खबर झूठी है, वो सच्ची नहीं है खबर, किसी की मौत वाकई नहीं हुई है, बेहोशी हुई है, जो इसका एक साइड इफेक्ट है, जो होता है वैक्सीनेशन में बाज दफा उसके साइड इफेक्ट में एक चीज ये है कि बेहोशी भी हो जाती है और वो तो डॉक्टर पहले से मानते हैं और उसका इलाज हो जाता है। कई खबरें व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर गर्दिश कर रही हैं। ये तो मैं आपको मेडिकल साइंस की ऐसे ही एक मिसालें दे रहा हूं, मामलात इससे ज्यादा खतरनाक हैं, इससे ज्यादा, यानी इससे ज्यादा खतरनाक मामलात हैं। तो अल्लाह ताला ने हमें इस मामले में भी रहनुमाई की है कि जब कोई खबर तुम सुनो तो उसको फैलाने के बजाय उसके माहिरीन से, बोले ना भाई उसके माहिरीन से राब्ता करो। इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह ताला ने इस आयत से इस्तिदलाल किया है कि जब इंसान कोई हदीस सुनेगा, बल्कि फुकहा ने इससे इस्तिदलाल किया है कि जब भी कोई इंसान कोई हदीस सुने, कोई कुरान की आयत सुने, तो उसका मफहूम खुद तलाश ना करे बल्कि मुज्तहिदीन से और उलमा से पूछे। इस आयत से इस्तिदलाल किया है क्योंकि कुरान और हदीस भी एक खबर है, कुरान अल्लाह की खबर है और हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर है। तो अल्लाह ने फरमाया कि जब भी तुम्हारे पास कोई अहम खबर आए तो खुद से उसका मफहूम तलाश करना और उसको आगे नकल करने के बजाय उनके माहिरीन से पूछा करो। यस्तंबितूनहु, जो इस्तिंबात कहते हैं जमीन से पानी निकालना, जो मुश्किल काम है ना,
دیکھیں ایک تو پانی اوپر تشلے میں رکھا ہوا ہو، گلاس میں رکھا ہوا تو آپ پی لیتے، لیکن زمین سے گھس کے ڈول کے ذریعے پانی نکالنا یہ مشکل کام ہے۔ تو اللہ نے بھی بتایا کہ قرآن و سنت یا کوئی بھی خبر کی حقیقت تک پہنچ کر، کوئی بھی اہم خبر اس کی حقیقت کو تلاش کرنا یہ ہر آدمی کا کام نہیں ہے، تو اس کا بھی ہمیں التزام کرنا چاہیے کہ فیس بک، واٹس ایپ اور سوشل میڈیا کے جو دوسرے ذرائع ہیں ان پر پھیلنے والی خبروں کو بغیر تصدیق کے آگے نقل نہ کریں، خاص طور پر وہ خبریں جو بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ مختلف علماء کے خلاف فیک فتوے چل رہے ہوتے ہیں، مختلف علماء کے خلاف کفر کے فتوے چل رہے ہوتے ہیں، ایک بات کسی نے کہی نہیں ہے، دوسرا اس کی طرف منسوب کر کے دعویٰ بنا کے کہ فلاں نے یہ دعویٰ کیا اور اس کے خلاف پھر پوری تقریر کر دے گا، حالانکہ اس نے یہ دعویٰ کیا ہی نہیں ہوتا۔ صبح و شام یہی ہو رہا ہے۔ تو یہ بھی وہ چیز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، فرمایا انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے نقل کرتا۔